प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर उमाशंकर सिंह कुशवाहा जी के संरक्षण में क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर रंजीत सिंह चौहान एवं फैजाबाद जिला के अध्यक्ष के रूप में सुनील सिंह राणा को मनोनीत किया गया तथा साथ ही प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता कर रहे राजपाल सिंह ने बताया कि क्षत्रिय महासभा जनपद के रहने वाले सभी क्षत्रियों को एक साथ लेकर चलेगी। कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, विश्वजीत सिंह, राजदीप सिंह, संतोष सिंह, मनीष पाल सिंह, प्रताप सिंह जी के जागरण, राजकुमार यादव, विनोद चौहान, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, राजकुमार सिंह, पुष्पेंद्र पाल सिंह, शैलेंद्र सिंह, आनंद पाल सिंह, अशोक यादव के साथ साथ सुनील सिंह राणा, चिराग सिंह, संजय सिंह, धीरज चौहान आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से श्री कृष्ण चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जो है महासभा में जो एक्टिव लोग हैं वो आए और क्षत्रियों की एक ऐसी समाज के गठन करें जो कि समाज के सभी वर्गों को जो है वो आगे बढ़ा सकें, और क्षत्रियों को ही नहीं सभी वर्गों को आगे बढ़ा सकें और देश को समृद्धशाली बना सकें। जय हिंद। प्रभावशाली दिन है जब क्षत्रियों ने अपनी ताकत को पहचानते हुए एक सक्षम और एक बड़ा संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है, जो इस देश की सबसे पुरानी संस्था है क्षत्रियों की, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसका संयोजन 1897 ईस्वी में हुआ था, उसकी शाखा के रूप में यहाँ पर आज गठन हो रहा है, जिसमें रंजीत सिंह चौहान को यहाँ प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही श्री सुनील सिंह राणा जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये सारे के सारे क्षत्रिय बंधु, सारे बुजुर्ग लोग, उन्हीं को अपना आशीर्वाद, उनको अपना सहयोग, समर्थन और अपनी ताकत देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब मीडिया कर्मियों के भी बहुत आभारी और उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपना सहयोग यहाँ पर अर्पित किया, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भविष्य के कार्यक्रमों में भी इस संस्था के कार्यक्रमों को कवरेज देकर हमारे संगठन को सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।